बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करके इस गांव में भाई बलजीत यादव इलाके की आनबार और शान भाई बलजीत यादव राजस्थान के बब्बर शेर भाई बलजीत यादव भाई जोर से जयकारा बोलिए आप भाई बलजीत यादव जिंदाबाद भाई बलजीत यादव जिंदाबाद हमारे क्षेत्र की आन बान और शान भाई बलजीत यादव एक बार हाथ उठा के अभिनंदन करें अपने भाई और अपने बेटे का जोरदार तालियों के साथ करके कालू बलजीत जी विधायक बलजीत जी यादव मंच पर पहुंच चुके हैं आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें आज उप तहसील बनाने के लिए पूरा गंडाड़ा गांव आपका स्वागत कर रहा है क्योंकि बहरोड बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है आपका बेटा आपका भाई आपके समक्ष खड़ा है राजकीय कन्या महाविद्यालय नीमराणा में एडीजे कोर्ट कृषि उपज मंडी को स्वतंत्र मंडी का दर्जा बहरोड को नगर पालिका का दर्जा गंडाड़ा को उप तहसील का दर्जा बजट 2021-22 में बहरोड नगर पालिका के लिए सिवरेज लाइन की स्वीकृति कायसा खरखड़ा नंगली सभी में पशुधन केंद्र एक बार कम से कम जोरदार ताली आपकी तरफ से आशीर्वाद के रूप में बजनी चाहिए जोरदार ताली अनेकों सैकड़ों काम करवाए जो आज तक 20 साल में नहीं हुए भाई बलजीत ने अपने बहुत कम समय में आपके बीच में काम करे हैं आइए आपके बीच आपका बेटा भाई बलजीत यादव भाई बलजीत यादव साहब वाइस चेयरमैन साहब एसडीएम साहब हमारे बहरोड और नीमराणा के अलग अलग पंचायत के सरपंच साहिबान सभी पार्षदगण और मेरे बहरोड पूरे विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव से भी काफ़ी लोग आए हैं और मेरे गंडाड़ा की 36 बरादरी के सम्मानीय बुजुर्गों युवा साथियों माताओं बहनों प्रिय बच्चों गंडाड़ा का आशीर्वाद बलजीत यादव पर शुरुआत से रहा जब भी कभी गंडाड़ा में यहां की धरती पे यहां की पावन धरा पे न्याली माता की धरा पे जब भी कभी मैं कदम रखता हूं मेरे ऊपर यहां की ईमानदार न्यायप्रिय जनता के आशीर्वाद की ऐसी वर्षा होती है कि मुझे लगता है कर्ज कैसे चुका पाऊंगा मैं सिर्फ मेरे बहरोड विधानसभा क्षेत्र के न्यायप्रिय लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं आपने बलजीत यादव पे हमेशा आशीर्वाद रखा उंगली पकड़ करके राजनीति में चलना सिखाया लोगों ने गिराने की बहुत कोशिश की लेकिन आपने सपोर्ट देके विधानसभा तक पहुंचाया इसके लिए ये बलजीत यादव ताउम आपका कर्जदार रहेगा आपका एहसान बंद रहेगा और हमेशा प्रयास करेगा कि कभी भी आपकी कई भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे कभी भी मेरे कारण मेरे चाल चलन मेरे चरित्र मेरी वाणी किसी से कभी आपको शर्मिंदगी ना हो कभी भी आपको ये ना लगे कि हमने बलजीत यादव को वोट देकर के कोई गलती की इसलिए काम बता रहे थे कोई एहसान नहीं है मैंने कोई काम करवाया मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं मेरे ऊपर तो अभी एक नासूर है ये कुंड रोड जो आपने देखा कालिया होरा तक मशीनें पड़ी हुई रोड के ऊपर लोगों ने षड्यंत्रकारियों ने स्टे लगा के चलते हुए रोड को रुकवा दिया था और फिर स्टे तुड़वाया 66 करोड़ एक बार दिलवाए 31 करोड़ एक बार दिलवाए और मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलके कह दिया कि इस ठेकेदार को कह दो या तो तुरंत इस रोड का स्पीड से काम चले नहीं तो लात मार के निकालो ब्लैकलिस्ट करो और दूसरा किसी को भी दो भले मेरा कुंड रोड तुरंत बनना चाहिए
मैंने सिर्फ चुनाव के वक्त मेरे बहरोड की न्यायप्रिय जनता से कहा था, बहरोड की 36 बिरादरी के जवानों ने प्रार्थना की थी मेरे बहरोड के न्यायप्रिय लोगों से कि आपने सबको देखा, सबको परखा, किसी किसी को क्या क्या बनाया आपने, एक बार बहरोड के बच्चे का इम्तिहान लो, एक बार बहरोड के बच्चे को राजस्थान की विधानसभा में भेजो। लोग कहते थे कोने में बैठा रहेगा, कोई नहीं पूछेगा, निर्दलीय जिता दोगे, कोई सुनवाई नहीं होगी, और आज वही धुआड़े मार मार के रोते हैं, और जो कहते रहते हैं कि एमएलए ने दहशत फैला रखी है, इतने अधिकारियों को सस्पेंड करा रहा है, इतनों को एपीओ करवा रहा है, इतनों को जेल भिजवा रहा है, इन सबसे चिंतित हो रहे सारे के सारे। मैंने कहा, हमने चुनाव के वक्त भी कहा था, जनता से एक वादा किया था, कहते किसी भी अधिकारी को नहीं बख्श रहा है, किसी को भी नहीं छूट दे रहा है। मैंने कहा मेरा कमिटमेंट कोई भ्रष्ट अधिकारी से नहीं है, मेरा कमिटमेंट मेरे बैरोर की 36 बिरादरी की ईमानदार न्यायप्रिय जनता से, जो जनता से लूट करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। चुनाव के वक्त भी कहा था, जीत के भी कहा था कि अगर जो जनता का लाडला अधिकारी रहेगा, जो जनता को खुश रखेगा, तो चाहे बलजीत यादव को सकल भी मत दिखाना और यहाँ पे आराम से अपनी नौकरी करना, लेकिन अगर जनता जिससे नाराज हो गई तो फिर खैर मत समझ लेना, क्योंकि जो जनता का दोस्त वो बलजीत का दोस्त, और जो जनता का दुश्मन वो बलजीत का दुश्मन, और कोई रिश्ता मैं किसी अधिकारी से रखता नहीं हूँ। इसलिए आपने कभी सुना नहीं होगा इस बहरोड क्षेत्र में कि कभी जनता ने शिकायत करी हो और कोई अधिकारी सस्पेंड हुआ हो, कभी सुना नहीं होगा कि रात के 2 बजे एसटीएम 1 लाख रुपए लेके आता है, शिकायत करता है 1 लाख वापस दिलाता और लात मार के 600 किलोमीटर दूर चार छोड़ करके आता हूं, दूसरा कोई थानेदार रिश्वत लेता है पूरे के पूरे थाने को सस्पेंड करवाता हूं, एसएचओ सस्पेंड होता है, थानेदार पैसे लेता है बहरोड का, पैसे वापस देता है, थानेदार सस्पेंड होकर के जाता है, बिजली वाला आईएन 60,000 रिश्वत लेता है वीसीआर के नाम पे, सस्पेंड होकर के जाता है, और लोग दुहाड़ मार मार के रोते हैं कि सबको मार रहा है। और अभी तो तहसीलदार भगे, मैंने बुलाया, तहसीलदार की चोरी पकड़ में आ गई, मैंने कहा तहसीलदार इधर आना, तेरी शिकायत आई है। तहसीलदार तो बोला साहब मेरे तो कोरोना हो गया, एक बोला मेरे बुखार चढ़ गया, और छुट्टी लेके रात में ही भग गया और आया नहीं, 27 दिन तक आया नहीं, भग गया। और अभी ट्रांसफर लिस्ट आई तो पूरे राजस्थान का जो तहसीलदार का ग्रुप होता है उसके ऊपर व्हाट्सएप पे चल रहा कि हे भगवान कहीं भी भेज देना, लेकिन बहरोड और नीमराणा हमें मत भेज देना उस बहरोड के हमें लेके पास में, ये दया करना हमारे ऊपर। तो मुझे लगा लोगों ने कहा कि ये होती है जनता की ताकत और ये होती है जनता की दहशत, कि सबको बताए कि कितना भी खुशामद एमएलए की कर लो, लेकिन अगर किसी गरीब मजदूर किसी आदमी से पैसे लिए और एमएलए को शिकायत की तो एमएलए आपको छोड़ेगा नहीं। मैं आपसे भी कह रहा हूं, कोई पैसे मांगे तो आप मुझे बता देना, कितना भी चाहे कोई आपको कहता होगा, लेकिन एक्शन ऐसा होगा आपको लगेगा जैसे स्वयं आप एमएलए हो और एमएलए की ताकत आपके अंदर समाई हुई है, ऐसा आपको महसूस होगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इतनी देर से इंतजार किया और आप कितने ग्रेट लोग हो, कितने भले लोग हो। मैं तो खुद को इस कुंड रोड पे आता हूं तो मेरे को देख करके खुद के ऊपर शर्म आने लग जाती है कि मुझे इन षड्यंत्रकारियों को हराना है और मुझे मेरे कुंड रोड को बनाना है, क्योंकि साल भर वैसे रोका, स्टेट तुड़वाया, पेड़ शिफ्ट करवा दिए, बिजली के पोल शिफ्ट करा दिए, फिर ये कोरोना आ गया, सब कुछ पूरा हिंदुस्तान जाम हो गया। अब इसको जल्द से जल्द और बनाएंगे और जो भी कोई काम होगा, जैसे गंडाड़ा में मुझे बताया कि ये रोड जो बूढ़वाड़ को जा रही बनानी है, मेरे को 5 करोड़ रुपए सड़कों के मिले थे, मैंने 90 लाख रुपए एक मुश्त मेरे गंडाड़ा के लिए दिए, पहले गंडाड़ा में भेजू। पानी के लिए माताएं कहती थी परेशानी होती है, 2.5 करोड़ रुपए घर घर नल के लिए स्वीकृत करा दिए, टेंडर भी लग गए, 1-2 दिन के अंदर ही उसका पूरा का पूरा जैसे वर्किंग ऑर्डर और मिल जाएगा उसको, 2.5 करोड़ रुपए उसके करवाएं। स्टेडियम वाले का भी करा रहा हूं और जो धोबट वाला है ये रोड, इसके लिए भी मैंने लिख करके दिए पैसे। और भी कोई जो भी कोई छोटी मोटी, क्योंकि बोरिंगें पहले बताते थे तो बोरिंगें 3 एक बार बताई थी वो दे दी थी, अभी 2.5 करोड़ दिए। और कोई भी काम मेरे लायक गंडाड़ा कोई भी बताएगा, मैं पहले भी कहता हूं जो गंडाड़ा का निवासी है वो मेरा भाई है, मेरे परिवार का सदस्य है, चाहे वोट दिया हो और चाहे वोट नहीं दिया हो, आप तो सिर्फ कहना गंडाड़ा से आया हूं, गंडाड़ा का नाम भी काफी है कि मैं गंडाड़ा से आया हूं, बस मैं उसको सर माथे पे बिठा करके रखूंगा। कोई भी मेरी माँ,
अगर उसकी समस्या हो तो बोलना गंडाला की माता हूं, आपको न्याली माता मान करके आपका सम्मान करूंगा, यह आपको वचन देता हूं, चाहे वोट दिया हो चाहे वोट ना दिया हो। आप एक बार अजमाना। क्या होता, कहते भाई या तो सिर लिया आदमी का पता चलता है या साथ बैठने से पता चलता है। विरोधी तरह तरह की अफवाह फैलाते हैं, अरे भाई एमएलए के पास मत जाना, तूने वोट नहीं दिया है एमएलए तेरी बेइज्जती कर देगा, ये कर देगा, ताकि वो लोग मेरे पास आए नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बलजीत यादव के पास कोई जाएगा तो उसका काम होगा और उसका व्यवहार पता चलेगा और वो तुम्हारी हकीकत को जान जाएगा। ट्रांसफरों की लिस्ट आई, जितने भी लिस्ट आई, आप सब हमारे कर्मचारी लोग जानते होंगे, इतने राजस्थान में सबसे ज्यादा कर्मचारी मेरी भैरोड़ विधानसभा में। पहले ट्रांसफर की अर्जी जाती थी तो नेता उस अर्जी के ऊपर उनके दलाल वजन तोला करते थे, इस एप्लीकेशन पे कितनी गड्डी का वजन है उसका ट्रांसफर होगा। बलजीत यादव ये देखता है कि गांव का कार्यकर्ताओं का जनता का नाम लिख दो, बुजुर्गों को लिख दो, जिन पे ज्यादा जनता की चाहत है उन्हीं की पहले लिस्ट में नाम आएगा। जनता जो चाहेगी उसका ट्रांसफर होगा, जनता जो चाहेगी वो रहेगा, जनता नहीं चाहेगी तो वो बिल्कुल नहीं रहेगा। सीधा सा फंडा मैं इसमें दिमाग ही नहीं लगाता हूं। सबसे ज्यादा ट्रांसफर पिछले क्षेत्र में हुआ, लोग बाड़मेर जैसलमेर कहां कहां पड़े थे और गांव के कार्यकर्ता गए कि फला प्रिंसिपल को लाना है, फला लेक्चरर को लाना है, इस डॉक्टर को लाना है, इस कंपाउंडर को लाना है, इस एएनएम को लाना है, जिसका भी मुझे देकर कहे। मैंने प्रयास किया कि मेरी ओर से सबका काम हो। मैंने मीटिंग करके कहा कि कोई भी माँ अगर उसका बेटा दूर है और ट्रांसफर हो रहे हैं तो मेरे को बताए, मेरे भैरोड़ की हर माँ की सेवा करे उसका बेटा, तो मैं प्रयास करूंगा कि वहां पर आए। एक बार मेरे पास काठुआस से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा इसके माँ बाप खाट में, इसने आपको पिछले दोनों चुनाव वोट नहीं दिया और ये वोट आगे भी आपको नहीं देगा, लेकिन इसके माँ बाप को इसकी जरूरत है। मैंने कहा इसका ट्रांसफर सबसे पहले होगा, मैंने कहा चाहे सिंगल ऑर्डर कराना पड़े इसका ट्रांसफर पहले होगा, क्योंकि वोट कोई मुद्दा नहीं है, जीता है वो एमएलए, सबका एमएलए होता है। मैं कभी भाई से भाई को नहीं लड़ाता, मैं कभी चुगली चाटे नहीं करता कि वो उसके साथ चला गया तू मेरे साथ आ जा, वो उसके घर चला गया फलाना उसके चला गया, मैं ये नहीं करता हूं कभी भी। पहले भी मैं मेरे गंडाला की चौपाल पे आया, जनता ने मुझे कहा था चौपाल पे आकर के जनता से 36 बरादरी से समर्थन मांगना, जनता आपको निराश नहीं करेगी, और मेरे गंडाला की पेटी खुली। अब की बार भी बटन दबा, जितना मैंने सोचा था उससे भी भारी बहुमत से ऐसा रिजल्ट आया, बलजीत यादव की छाती चोरी होगी गंडाला के बोर्ड के रिजल्ट को देख करके। मुझे लगा न्याली माता ने मुझ पर आशीर्वाद की वर्षा की है, प्रतिदिन मैं प्रयास करता हूं प्रतिदिन, क्योंकि मैंने चुनाव के वक्त कहा था कि राजस्थान की विधानसभा में 200 विधायक आते हैं, उन 200 विधायकों में बहरोड़ का विधायक, जहां आपका बेटा किसी से भी विधानसभा में 19 नजर नहीं आएगा, 21 नजर आने का प्रयास करूंगा कि आपको कोई दोष ना दे, कोई राजस्थान के किसी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति ये ना कहे कि बहरोड़ के लोगों ने किसी गूंगे बहरे व्यक्ति को विधानसभा में चुन करके भेज दिया। मैं हर पल प्रयास करता हूं कि जनता की समस्याओं को मजबूती के साथ उठाऊं। एक एक मिनट विधानसभा चलती है तो मैं उपयोग करता हूं, और एक एक मिनट मुझे ध्यान रहता है कि मुझे निर्दलीय जनता ने जिताया है, दोनों पार्टियों को अन्य पार्टियों को धूल चटा करके और मेरे बहरोड़ की जनता ने विधानसभा में भेजा है, इसलिए कर्ज है मुझ पे जनता का, एक एक सेकंड का उपयोग करता हूं कि जनता की समस्याओं को यहां पे उठाऊं। मैंने किसानों को बिजली के बिल में 833 रुपया सब्सिडी मिलती थी तो बंद हो गई थी, राजस्थान की विधानसभा में इस मांग को उठाया, दोबारा चालू करवाया, फिर बंद हो गई, दोबारा उठाया, और मैंने कहा बढ़ा करके दो 1000 रुपया किसान को सब्सिडी दो, और मैंने मांग की है सरकार से कि किसान को पूरी तरह से मुफ्त बिजली राजस्थान की सरकार दे। मैंने बेरोजगार युवाओं की मांग उठाई और सरकार से कहा है कि राजस्थान के ही मेरे विधानसभा के ही नहीं, बेरोजगार युवाओं के लिए कानून बनाए सरकार, जिससे कि यहाँ के हमारे बेरोजगार युवाओं के हक की रक्षा हो, क्योंकि 23 राज्य ऐसे हैं जिसमें तरह तरह के कानून बना करके और दूसरे राज्य से आने वाले बेरोजगारों को रोका जा रहा है। मैंने कहा राजस्थान के अंदर कहीं का भी कोई भी आता है हमारे हक की नौकरी को हड़प ले जाता है, और राजस्थान के जवान को नौकरी मिलती नहीं है, तो या तो ये कानून पूरे हिंदुस्तान में खत्म हो और या फिर राजस्थान के युवाओं के लिए भी सरकार कानून बनाए। पिछली बार भी सरकार से कहा कि या तो आप कानून बनाओ
और आप इस भ्रम में ना रहे कोई भी सरकार कि बलजीत यादव निर्दलीय एमएलए, बलजीत यादव अकेला एमएलए। अगर आपने मेरी बात को नहीं माना तो चाहे मुझे सब कुछ दांव पे लगाना पड़े, मैं राजस्थान के कोने कोने में भी जाकर के युवाओं को जगाऊंगा, उनको संगठित करूंगा और हस्ताक्षर करा के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दूंगा कि यह हमारा हक है और हमारा हक सरकार को देना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है एक ना एक दिन हम ये कानून बनवाएंगे और किसानों के लिए फ्री बिजली की व्यवस्था राजस्थान में हम करवा के दम लेंगे। इसलिए विरोधी रोते रहेंगे, विलाप करते रहेंगे, जब वो विलाप करते हैं तो मुझे संतुष्टि भी होती है कि वो जितना चाणक्य ने भी कहा है कि जब विरोधियों में हड़कंप मच जाए, जब विरोधी सारे एकजुट होने लग जाए और एकजुट होकर रोने लग जाए, फालतू की बातें करने लग जाए, बकवास करने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए कि जनप्रतिनिधि सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए जितने रोते हैं, जितने कुल कुत्ते बिल्ली प्लाउटे सारे एक होकर के पिल्लाते रहते हैं, पिपाते रहते हैं कि भाई कैसे पिंड छुड़ाए, कैसे पिंड छुड़ाए, तरह तरह की अफवाहें फैलाती रहते हैं। लेकिन मैंने चुनाव के वक्त भी कहा था एक पालडे में उनको रख लेना, दूसरे विधायक को, और एक पालडे में बहरोड़ के बेटे को रख लेना, मेरा पालडा उनसे कभी भी आपको हल्का नहीं मिलेगा, चाहे व्यवहार में हो, चाहे आपके सम्मान में हो, चाहे काम में हो। उनसे काम की बात करे तो कोई काम की बात नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे एक चलन होता था, वोट मांगने आते थे कि मैं तेरे उज्जरखाई आया था, मैं तेरे ब्याह में आया था, मैं तेरी छठी पे आया था, मैं तेरे घर टिक्कड़ पाड़ने के लिए आया था, मैं तेरे घर अलूणा घी खाने के लिए आया था, मैं तेरे घर पांव पकड़ने के लिए रात को आया था, इसलिए मेरे को वोट दो। काम की कोई चर्चा नहीं होती थी। मुझे अच्छा लगता है कि पहली बार भैरोड़ में काम की चर्चा होने लगी है। वो कहते हैं ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वही मैं चाहता हूं कि सिर्फ काम पे चर्चा हो, इन फालतू की चीजों पे चर्चा नहीं हो। अरे जीमने झूठने के लिए गांव वाले रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी भाई बंध हमारे जीमने के लिए बहुत है। एमएलए का जो काम होता है वो एमएलए को करना चाहिए। एमएलए का काम ये नहीं होता कि जाके छठी में ठुमके लगा दिए, जाके ब्याह में गुलाब जामुन खाए और काम कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, सिर्फ से भाई से भाई को लड़ाना, ये काम एमएलए का नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भाई फिर भी कोई गलती हो जाए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला होता है। अगर किसी इंसान में एक भी बुराई ना हो और उससे अगर कभी कोई गलती ना हो तो फिर वो भगवान बन जाता है, आदमी नहीं रहता है। तो मैं भी आदमी हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो कोई गलती भी हो जाए तो भाई मैं तो पहली बार नया नया तो एमएलए बनाऊ, नया, इसलिए कोई चूक हो जाए तो आप गंडाड़ा वालों रूस मत जाना मेरे से, आप बता देना भैया गड़बड़ चाल रही, मैं ठीक कर लूंगा उसको। तो माताजी रूस तो नहीं जाओगे, बस रूसना मत आप। तो जैसे माँ बेटा गलती भी कर दे तो पिताजी से कहती है कि मेरा बेटा की पहली तो गलती है, इस पे नाराज मत हो, ये आगे से ठीक कर लेगा। ऐसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे बताना, मैं उसका सुधार करूंगा। और आप जो ये विश्वास रखो एमएलए जो कर सकता है, बहुत से काम ऐसे हैं हो सकता है मुझसे हो नहीं पाए, मैं प्रयास भी करूं, लेकिन मुझसे जो बन पाएगा या जो एमएलए कर सकता है वो मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैं कभी भी ऐसा मौका नहीं दूंगा कि आपको लगे कि एमएलए लापरवाही कर रहा है, चाहे कोरोना हो चाहे वैसे हो। भैरोड़ का एमएलए कोशिश करता है कि प्रतिदिन मेरी विधानसभा में रहूं, चाहे गर्मी में 48 डिग्री टेम्परेचर हो। मुझे कोई भी फोन करता है कि मेरी गली में पानी नहीं आ रहा, मेरे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, मेरे वार्ड में पानी नहीं आ रहा, और कोई माँ मुझे फोन करती है तो बलजीत यादव दौड़ के उस गली में जाता है। मैं स्वागत के लिए भी किसी को नहीं कहता, दौड़ करके खुद जाता हूँ कि माता जी बताओ, और सारे अधिकारियों को लेकर के जाता हूँ कि क्या समस्या है, उसका निपटारा कर करके आता हूँ। इसलिए मुझे विरोधी कहने लगे एक बार कि भाई ये एमएलए पंची का चुनाव लड़ेगा क्या, ये पार्षद का चुनाव लड़ेगा क्या, मजाक करने लगे, एमएलए ये तो गली में पहुंच जाता है, ये तो वार्ड में चला जाता है। मैंने कहा भाई मुझे तो पंची लेवल से भी नीचे का समझ लो, भले ही मुझे तो कोई एक भी बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। मैं कभी नहीं कहता कि मैं आ रहा हूं तो घोड़ी बुलाओ, बाजा बुलाओ, धमका बुलाओ, ये बुलाओ। लेकिन मेरे भैरोड़ की जनता का बड़प्पन देखिए कि आज मैं गंडाड़ा आ रहा, मैंने एक भी व्यक्ति को किसी को नहीं कहा कि भाई मैं आ रहा हूं या मुझे मिलना। लेकिन भैरोड़ से निकला हूं, प्रत्येक जितने भी गांव पड़ रहे हूं, हर गांव के ऊपर इतना जन सैलाब खड़ा मिला स्वागत के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। ये चीज दिखाती है कि मेरे भैरोड़ के लोग बड़े दिल के लोग हैं, और जो काम करता है उसको उत्साहित करते हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं। ये चीज इस चीज को दर्शाती है। वरना पहले देखा करता था
कि एमएलए आते थे गांव में कोई उद्घाटन करने, तो पकड़ पकड़ हाथ जोड़ जोड़ के ला ला कर कोई 10-5 आदमी बुलाया करते थे, 10-20, कि भाई चलो चलो कैसे भी चलो। तो मेरा भी मनोबल आप बढ़ाते रहते हो, इससे मुझे और प्रेरणा मिलती है काम करने की, और करेंगे अपन काम। और ये शुरुआत है, आप थोड़ा सा इंतजार रखना, धैर्य रखना। मेरे सारे मैं बुजुर्गों से, मेरी माताओं से कहना चाहता हूं कि आपका राजस्थान में डंका बजाने तक दम नहीं लेगा। बलजीत यादव, डंका बजे आपका, आपकी पगड़ी की शान सबसे ऊंची रहे, इसका मैं प्रयास करूंगा। मैं पहले चुनाव में कहता था तब लगेगा मुझे कि मैं एमएलए बनकर सही काम कर रहा हूं, जब किसी रिश्तेदारी में जाओ, पड़ोस की विधानसभा में जाओ और आपका रिश्तेदार ये कहे कि अरे यार भैरोड़ के एमएलए के जैसा, काश हमारा भी एमएलए होता तो अच्छा रहता, आपका एमएलए बढ़िया है, तब मुझे लगेगा कि वास्तव में आपका वोट बेकार नहीं गया। तो इसलिए कभी रिश्तेदारी में जाते हो, पड़ोस में जाते हो, कोई हरियाणा में जाते हैं तो कोई यूं तो नहीं कहता निकम्मा नकारा विधायक है आपका, ये तो नहीं कहता कोई, उलाहना देता रहे किसको एमएलए चुन दिया आपने, कहता है क्या कोई आपको? तो बस मुझे संतुष्टि है कि कोई आपको शर्मिंदा ना करे। गुंडों की जेल भर दी है, जेल छोटी पड़ गई, जेलर ने कहा जगह नहीं है तो मैंने बजट दिला दिया 3 गुना बड़ी जेल बढ़ा दे, गुंडो जाम नहीं बचना चाहिए भरोड़ के अंदर, उठा उठा के ठोस दो जेल के अंदर सारों के, जेल फुल भर दो, छोटी पड़ गई, मैं पैसा दे रहा हूं 3 गुनी बड़ी बना दी जेल को। और आपसे भी कह रहा हूं, कोई बहन बेटी को परेशान करे, स्कूल कॉलेज जाते हुए परेशान करे, तो आप उससे अपने बेटे को मत लड़ाना, हमारे चाचा ताऊ को मत लड़ाना गुंडों से, आप तो चुपचाप मुझे फोन कर देना, फलाना गुंडा उस जगह पे उस स्पोर्ट पे ऐसे बच्चियों को परेशान करता है, पुलिस उसको कुत्ते की जरह पीटती हुई ले जाएगी, उससे दुश्मनी बलजीत यादव लेगा। आप किसी से दुश्मनी मत लेना, किसी से भी, आप मुझे बताना, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि भैरोड़ में अमन का माहौल हो, भैरोड़ के अंदर इज्जतदार आदमी इज्जत के साथ शांति से अपना जीवन यापन करे। और मैं सारे अधिकारियों से भी कहता हूं कि आप अच्छा काम करो, आप बोल्डली अपना काम करो, और 19-20 कोई गलती भी हो जाती है, क्योंकि काम करता उससे गलती हो जाती है, तो आप मुझे बता देना, बिल्कुल उसको ठीक करना। मैं अगर आपकी मनसा ठीक करने की होगी, आपकी भावना अच्छा करने की होगी, आपकी भावना जनसेवा की होगी, तो बलजीत यादव जहां तक भी जाओगे आपके साथ बिल्कुल सपोर्ट में खड़ा रहेगा। लेकिन आपकी भावना अगर गलत होगी, आपकी भावना गंदी होगी, आपकी भावना गरीब को परेशान करने की होगी, मजदूर को परेशान करने की होगी, तो निश्चित रूप से मान के चलना कि फिर बलजीत यादव का आपको सपोर्ट तो छोड़िए, आपके विरोध में खड़े होने वाला सबसे पहला व्यक्ति बलजीत यादव ही होगा। यही मैं कहना चाहता हूं। आप बहुत समय से यहां पर बैठे हुए हैं, हमारे चेयरमैन साहब वैसे भी शौकीन है रागनी के, वो कह रहे थे रागनी सुनूंगा मैं तो पहले ही आप, मैंने कहा यार गर्मी का समय है, एक बार मेरी माताएं परेशान थे, वो सारे बीज ने चल रहे हैं सबके, कितनी पसीना और गर्मी हो रही है, गर्मी सुनूंगा मैं भी सुनूंगा, गर्मी हो रही है, तो मैंने कहा मुझे जल्दी से एक बार कह लेने दो, मुझे मेरी बात कर लेने दो आपसे, वरना वो बोलेंगे स्वागत ही स्वागत करवा रहा है और बात नहीं कर रहा, इतनी देर से गर्मी में हम बैठे हुए हैं। तो आप परेशान हुए, थोड़ा लेट हो गया, जैसे मैंने कहा ना स्वागत कार्यक्रम, और उनमें लेट हो गया तो समय लग गया। और मैं जन सुनवाई के लिए ये करूँगा, एक दिन अपने गंडाड़ा में अपने SDM हुए, पुलिस वाले हुए, बिजली वाले हुए, पानी वाले हुए, जो भी जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे PWD है, जो सारे अधिकारियों को मैं अपने चौपाल पर लेके आ जाऊँगा, या नाली माता के, जिस जिस की भी जो समस्या हो उसका यहीं पे निपटारा हो, यहीं की यहीं सब बता देना, एक दिन निश्चित कर लेंगे, मैं लेकर के आ जाऊंगा। आप कहोगे यहाँ ले आऊंगा, आप कहोगे चौपाल पे ले आऊंगा, जहाँ कहोगे, कोई भी आपकी समस्या हो, नीमराणा भी आपको नहीं जाना पड़े, यहीं का यहीं उसका समाधान हो जाए। और आपको बधाई देता हूँ, मेरा गंडाड़ा उप तहसील बना, आप सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई। मैं किसी को जिक्र किया विधानसभा में, बोला एक बात, तो कई लोग विरोधियों ने, वो कर दे, हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, सुनो कोई बात नहीं, अब कह दिया बैठो, सुनो बीच में मत, सुनो उदय सिंह बैठ, मैं बात कह दी बस, ठीक बैठो आप भी बैठो, मैंने, अरे कोई बात नहीं, सुनो अब मैंने जो बता दिया, बिजली वाला पानी वाला सबकी भी रख लेंगे,
और आपने जो कह दी बिजली की समस्या मैंने सुन ली, वो भी मैं बात करूंगा कैसे कटती है बिजली, बिल्कुल निश्चित रूप से उसमें सुधार करवाएंगे जो आपने बताया। क्यों करते फॉल्ट है? एक बार गंडाड़ा में एक चीज और आई थी, आप सभी लोग सुनना, सुनना भाई उदय सिंह तू भी सुनना, गंडाड़ा के अंदर बिजली वालों ने मुझे कहा, आप नोट करना इस बात को भी क्योंकि कई षड्यंत्रकारी हैं, कि रात को उस लाइट को फॉल्ट कर देता है, रात को, पीछे कई महीने की बात बता रहा हूं जान पूछ के, और बिजली वाले परेशान बोले हो गए, और सुबह है ना सुबह जाते उस चीज को हटा उठा लेता है कि साहब ये कौन फॉल्ट कर रहा है। कई लोग ऐसे भी चाहते हैं कि उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सब कुछ सही कैसे चल रहा है, जैसे इस कुंड रोड को स्टे नहीं लगवाया था क्या, और बालकनाथ जी का मुंह से ही निकल गई कि हमारा कार्यकर्ता ने स्टे लगवाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकली थी क्योंकि न्याली माता ने मुंह से ही बुलवा दिया, अगर भाई तुम छोटे ही झूठा बदनाम कर रहे हो और इस लड़के को और सारा काम तुम ही कर रहे हो, तो खुद के मुंह से निकल गया। लेकिन फिर भी आप भी उसका ध्यान रखो, ऐसा षड्यंत्रकारी ऐसा गद्दार कौन है जो जनता को परेशान करना चाहता है, और उसको पाप लगेगा, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी ऐसे आदमी को, और वो पकड़ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, और फिर वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा समाज में। जो ऐसा काम करता हो कि परेशान करना जनता को फॉल्ट करके, तो उसको भगवान भी माफ नहीं करता है। मैं इस चीज को और दिखवाऊंगा, और भी कोई कोई भी आपकी समस्या, जैसे मैंने कहा मैं लगभग रोज भैरोड आता हूँ, लगभग रोज प्रतिदिन भैरोड आता हूँ, मुझे कोई भी आकर के अपनी समस्या बता सकता है, मेरे फार्म पे आके बता सकता है, कभी भी आ जाओ, लगभग रोज आता हूँ, कभी कभार भले ही चाहे रह जाओ मैं नहीं आऊँ, और मैं कोशिश करूंगा जैसे मैंने कहा कि यही मैं लेकर के एक दिन टाइम लेके बता दूंगा सबको, अखबार में दे देंगे गंडाड़ा, सबको लेकर के आ जाऊंगा, आप अपनी समस्या बता देना, ठीक है, क्योंकि अभी आप रागनी नहीं सुन पाओगे, अभी जैसे समस्या पूछूंगा आधे नाराज हो जाओगे, बीच में बिगड़ डाल रहा है, फिर भी कोई होगा मैं सुन लूंगा माता जी, अभी सुन लूंगा, ठीक है, और कोई मेरे से कोई बात हो, कोई सुझाव हो सलाह हो वो भी मुझे दे देना कि साहब ऐसा इस ढंग से करना है, पर ऐसा तो महसूस नहीं कर रहे हो, कभी पहले वाले MLA थे उनकी याद तो नहीं आ रही है कि भाई वो ज्यादा अच्छे थे और बलजीत ज्यादा खराब, ऐसा तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, मुझे सही हाथ खड़े करके बता दो, याद नहीं कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे ना, हाथ खड़ा करके माता जी पीछा से, तो मतलब इसका मतलब उनसे तो थोड़ा चाहे मामूली ठीक हूं मैं, तो ज्यादा हूं नहीं, थोड़ा मोड़ा उनसे तो ठीक ही होगा, पहले वालों से मैं उनसे पूछा पिछली बार मीटिंग वीटिंग कर रहे, मैं कहा भाई तुम एक काम करो पीछे से 50 साल के काम बताओ, 50 साल 50 साल में बहरोड में क्या क्या बड़े काम कराए, छोटी नाली वाली हेडपंप छोड़ दो, बड़े काम बताओ, और मेरे काम है ये 2 साल के लिखो, ये 2 साल के लिख दिए लोगों ने, चेयरमैन साहब ने बोर्ड लगा दिए, और बोला आपके 50 साल के लिखो, कोई काम नहीं उनके पास बताने, और आप सोचना पीछे बड़े बुजुर्ग कि उन्होंने बहरोड का कौन सा बड़ा काम किया, इवन उप तहसील की बात करी तो हंसी मजाक करें, फिर तहसील की होगी तो वैसे ही बोल दिया, मुख्यमंत्री खुद मुंह से बोल रहा है, घोषणा कर रहा है बजट भाषण, और कितने झूठे मक्कार लोग हैं कि ये तो वैसे ही कह दियो, फिर उसका नोटिफिकेशन भी हो गया, वो सोचे पता नहीं डिले होता रहेगा, महिला कॉलेज हमने घोषणा नहीं कराते कराई, उसको चालू भी करा दिया, अब लग रहे हैं लोग केंद्रीय विद्यालय, मैंने मेरे यहां पे गंडाड़ा का दिया नाम कि भाई गंडाड़ा में खोल दो, और यह भीटेड़ा में जमीन पड़ी यहां चाहिए तो ज्यादा ले लो नजदीक, और गंडाड़ा की स्कूल में खोल दो, बालकनाथ जी उसके पीछे पड़ा हुआ है कि भाई यह केंद्रीय विद्यालय गंडाड़ा में नहीं खुलना चाहिए, पीछे पड़ा हुआ है, आप पूछना फोन करके कि भाई गंडाड़ा से बालकनाथ जी ऐसी कौन सी दुश्मनी है तेरी जो इस केंद्रीय विद्यालय को यहां खुलने ही नहीं दे रहा, यह आसपास के गांव से क्या दुश्मनी है, यहां का प्रपोजल भिजवा रहा हूं और उसको रिजेक्ट करवा के भिजवा रहा है, जमीन मांगी सरकार से मैंने जमीन दी कि भैया कुंड रोड पे बीच सेंटर है हमारी विधानसभा का, चारों तरफ के बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें अड़ा हुआ है कि यहां नहीं खुलने दूंगा उसको कैसे, यानी एक काम खुद नहीं करेंगे, धन्यवाद देने भी नहीं आएंगे जनता में, लेकिन अड़ंगे जरूर लगाएंगे। मैंने उनसे कहा यमुना का पानी बारिश में और फ्लो बह रहा है, ये हरियाणा की नहरें और फ्लो जा रही है, घग्गर नदी में छोड़ दिया गंगानगर में, तो पूरी नदी आ गई, किसान खुशहाल हो गए, पानी छोड़ दिया बाढ़ का,
मैंने कहा मैंने बात करी है मुख्यमंत्री से कि पैसे मैं दे दूंगा यमुना का और जो हरियाणा की नहर में और फ्लो बारिश के दिनों में पानी छूटता है उसको साबी नदी में बांध बना के डाल दो और उससे नहर से दे दो, वाटर लेवल ठीक हो जाएगा हमारा। मैं कहा आप महंत जी एक काम करवा दो, तो मजाक उड़ाता है एमएलए तो पानी पानी करता है पिसाया मर रहा हो जैसे। मैंने कहा भाई मैं किसान का बेटा हूं और मैं जनता में रहता हूं तो मुझे पता है पानी की कमी से जनता कितनी त्रस्त है, किसान बर्बाद हो रहा है। आप तो क्या 5 स्टार आदमी हो, 7 स्टार होटल में रुकते हो, 35-35 हजार की धोती बांधते हो, आप तो 12-12 लाख की घड़ी पहनते हो, 2-2 करोड़ की गाड़ी में चलते हो, तो आपको नहीं पता है पानी की कमी, लेकिन हमारे को पता है। अगर ये पानी नहीं आया तो पूरा क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। मैंने विधानसभा में भी कहा कि भैरोड़ की जो राठ क्षेत्र है, भैरोड़ का, अलवर जिले का पूरा क्षेत्र है, उपजाऊ जमीन है, सब बर्बाद हो रहा है, इसलिए आप पानी की व्यवस्था वहां पे करो। चंबल के लिए योजना भी स्वीकृत कराई, लेकिन मैंने कहां से आता आएगा, यमुना हमारे नजदीक पड़ती है, फिर भी इसका प्रयास करूंगा और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और हमारे यहाँ पे पानी का कोई समाधान होगा। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। अब एक बार चेयरमैन साहब की वो रागनी जरूर सुन करके जाना, सभी मिल करके भाई बलजीत का, भाई बलजीत जिंदाबाद का भाषण भी सुना, भाई बलजीत बिल्कुल निश्चित रूप से उसमें सुधार करवाएंगे जो आपने बताया। क्यों करते फाल्ट, एक बार गंडाड़ा में एक चीज और आई थी, आप सभी लोग सुनना, सुनना भाई उदय सिंह तू भी सुनना। गंडाड़ा के अंदर बिजली वालों ने मुझे कहा, आप नोट करना इस बात को भी क्योंकि कई षड्यंत्रकारी हैं, कि रात को उस लाइट को फॉल्ट कर देता है, रात को, पीछे कई महीने के बाद बता रहा हूं जान पूछ के, और बिजली वाले परेशान बोले हो गए, और सुबह है ना सुबह जाते उस चीज को हटा उठा लेता है कि साहब ये कौन फॉल्ट कर रहा है। कई लोग ऐसे भी चाहते हैं कि उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सब कुछ सही कैसे चल रहा है, जैसे इस कुंड रोड को स्टे नहीं लगवाया था क्या, और बालकनाथ जी का मुंह से ही निकल गई कि हमारा कार्यकर्ता ने स्टे लगवाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकली थी क्योंकि न्याली माता ने मुंह से ही बुलवा दिया। अगर भाई तुम छोटे ही झूठा बदनाम कर रहे हो और इस लड़के को और सारा काम तुम ही कर रहे हो, तो खुद के मुंह से निकल गया, लेकिन फिर भी आप भी उसका ध्यान रखो, ऐसा षड्यंत्रकारी ऐसा गद्दार कौन है जो जनता को परेशान करना चाहता है, और उसको पाप लगेगा, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी ऐसे आदमी को, और वो पकड़ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, और फिर वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा समाज में। जो ऐसा काम करता हो कि परेशान करना जनता को फॉल्ट करके, तो उसको भगवान भी माफ नहीं करता है। मैं इस चीज को और दिखवाऊंगा, और भी कोई भी आपकी समस्या, जैसे मैंने कहा मैं लगभग रोज भैरोड़ आता हूँ, लगभग रोज प्रतिदिन भैरोड़ आता हूँ, मुझे कोई भी आकर के अपनी समस्या बता सकता है, मेरे फार्म पे आके बता सकता है, कभी भी आ जाओ, लगभग रोज आता हूँ, कभी कभार भले ही चाहे रह जाओ मैं नहीं आऊं, और मैं कोशिश करूंगा, जैसे मैंने कहा कि यहीं मैं लेकर के एक दिन टाइम लेके बता दूंगा सबको, अखबार में दे देंगे, गंडाड़ा सबको लेकर के आ जाऊंगा, आप अपनी समस्या बता देना, ठीक है, क्योंकि अभी आप रागनी नहीं सुन पाओगे, अभी जैसे समस्या पूछूंगा आधे नाराज हो जाओगे, बीच में बिगन डाल रहा है, फिर भी कोई होगा मैं सुन लूंगा माता जी, अभी सुन लूंगा, ठीक है। और कोई मेरे से कोई बात हो, कोई सुझाव हो, सलाह हो, वो भी मुझे दे देना कि साहब ऐसा इस ढंग से करना है, पर ऐसा तो महसूस नहीं कर रहे हो, कभी पहले वाले एमएलए थे उनकी याद तो नहीं आ रही है कि भाई वो ज्यादा अच्छे थे और बलजीत ज्यादा खराब है, ऐसा तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, मुझे सही हाथ खड़े करके बता दो, याद नहीं कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे ना, हाथ खड़ा करके माता जी पीछा से, तो मतलब इसका मतलब उनसे तो थोड़ा चाहे मामूली ठीक हूं मैं, तो ज्यादा हूं नहीं, थोड़ा मोड़ा उनसे तो ठीक ही होगा, पहले वालों से मैं उनसे पूछा पिछली बार मीटिंग वीटिंग कर रहे, मैं कहा भाई तुम एक काम करो, पीछे से 50 साल के काम बताओ, 50 साल, 50 साल में भैरोड़ में क्या क्या बड़े काम कराए, छोटी नाली वाली हेडपंप छोड़ दो, बड़े काम बताओ, और मेरे काम है ये 2 साल के लिखो, ये 2 साल के लिख दिए लोगों ने, चेयरमैन साहब ने बोर्ड लगा दिए और बोला आपके 50 साल के लिखो, कोई काम नहीं उनके पास बताने, और आप सोचना पीछे बड़े बुजुर्ग कि उन्होंने भैरोड़ का कौन सा बड़ा काम किया। इवन उप तहसील की बात करी तो हंसी मजाक करें, फिर तहसील की होगी तो वैसे ही बोल दिया, मुख्यमंत्री खुद मुंह से बोल रहा है, घोषणा कर रहा है बजट भाषण, और कितने झूठे मक्कार लोग हैं कि ये तो वैसे ही कह दियो,
फिर उसका नोटिफिकेशन भी हो गया। वो सोचे पता नहीं डिले होता रहेगा। महिला कॉलेज हमने घोषणा नहीं कराते, कराई उसको चालू भी करा दिया। अब लग रहे हैं लोग केंद्रीय विद्यालय। मैंने मेरे यहां पे गंडाड़ा का दिया नाम कि भाई गंडाड़ा में खोल दो, और यह भिटेड़ा में जमीन पड़ी, यहां चाहिए तो ज्यादा ले लो नजदीक, और गंडाड़ा की स्कूल में खोल दो। बालकनाथ जी उसके पीछे पड़ा हुआ है कि भाई यह केंद्रीय विद्यालय गंडाड़ा में नहीं खुलना चाहिए, पीछे पड़ा हुआ है। आप पूछना फोन करके कि भाई गंडाड़ा से बालकनाथ जी ऐसी कौन सी दुश्मनी है तेरी जो इस केंद्रीय विद्यालय को यहां खुलने ही नहीं दे रहा है, या आसपास के गांव से क्या दुश्मनी है। यहां का प्रपोजल भिजवा रहा हूं और उसको रिजेक्ट करवा के भिजवा रहा है। जमीन मांगी सरकार से, मैंने जमीन दी कि भाई यह कुंड रोड पे बीच सेंटर है हमारी विधानसभा का, चारों तरफ के बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें अड़ा हुआ है कि यहां नहीं खुलने दूंगा उसको कैसे। यानी एक काम खुद नहीं करेंगे, धन्यवाद देने भी नहीं आएंगे जनता में, लेकिन अड़ंगेला जरूर लगाएंगे। मैंने उनसे कहा यमुना का पानी बारिश में और फ्लो बह रहा है, ये हरियाणा की नहरें और फ्लो जा रही हैं, घग्गर नदी में छोड़ दिया गंगानगर में तो पूरी नदी आ गई, किसान खुशहाल हो गए, पानी छोड़ दिया बाढ़ का। मैंने कहा मैंने बात करी है मुख्यमंत्री से कि पैसे मैं दे दूंगा यमुना का, और जो हरियाणा की नहरों में और फ्लो बारिश के दिनों में पानी छूटता है उसको साबी नदी में बांध बना के डाल दो और उससे नहर से दे दो, वाटर लेवल ठीक हो जाएगा हमारा। मैं कहा आप महंत जी एक काम करवा दो, तो मजाक उड़ाता है एमएलए तो पानी पानी करता है, पिसाया मर रहा हो जैसे। मैंने कहा भाई मैं किसान का बेटा हूं और मैं जनता में रहता हूं तो मुझे पता है पानी की कमी से जनता कितनी त्रस्त है, किसान बर्बाद हो रहा है। आप तो क्या 5 स्टार आदमी हो, 7 स्टार होटल में रुकते हो, 35-35 हजार की धोती बांधते हो, आप तो 12-12 लाख की घड़ी पहनते हो, 2-2 करोड़ की गाड़ी में चलते हो, तो आपको नहीं पता है पानी की कमी, लेकिन हमारे को पता है। अगर ये पानी नहीं आया तो पूरा क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। मैंने विधानसभा में भी कहा कि भैरोड़ की जो राठ क्षेत्र है, भैरोड़ का, अलवर जिले का पूरा क्षेत्र है, उपजाऊ जमीन है, सब बर्बाद हो रहा है, इसलिए आप पानी की व्यवस्था वहां पे करो। चंबल के लिए योजना भी स्वीकृत कराई, लेकिन मैंने कहां से आता आएगा, यमुना हमारे नजदीक पड़ती है, फिर भी इसका प्रयास करूंगा और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और हमारे यहाँ पे पानी का कोई समाधान होगा। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। अब एक बार ये चेयरमैन साहब की वो रागनी जरूर सुन करके जाना, सभी मिल करके भाई बलजीत का, भाई बलजीत जिंदाबाद का भाषण भी सुना, भाई बलजीत जिंदाबाद।